हाँ तेरे ही गुण गाऊ गजानन पहले तो मैं मनाऊं। और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी भूमि पर पनने वाली सती अनुसुईया और सीता जैसी माता बहनाओं, ये देखिए मैं कमल कैसेट के सौजन्य से और ये शंकर पार्वती परीक्षा का प्रोग्राम पेश करने के लिए जा रहा हूं। आइए गौर लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और ये भी देखिए ये कथा हम कहां से शुरू कर रहे हैं। सदा भवानी दाहिनी ए सनम करहत गणेश, पांच देव रचा करो सुब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हरो सकल विघन मन चित, देव सरस्वती ज्ञान मु
पढ़ता हूँ मुख से ये कबीर। हाँ तो मेरे श्रोता हो, एक बार शंकर और पार्वती में किस प्रकार से संवाद होता है आइए गौर लगाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। शंकर भगवान कैलाश पर मगन मन बैठे थे, हुआ क्या, भोलेनाथ के मन में एकदम से विचार घुमड़ने लगा और क्या बोले। बैठे थे एक दिन ध्यान मगन ये भोलेनाथ कैलाश पति, कर जोड़ बिने करने लागी श्री शैल कुमारी पार्वती। भगवान शंकर मगन मन बैठे थे, एकाद दो भंग को गोला डाले हथे, ध्यान मगन बैठे थे। पार्वती बोली, महाराज एक बात सुनो ना। हाँ हाँ कहिए पार्वती, क्या कहना चाहती हो। ये नात सुनो मन बात पिया, जियरा ले अंगड़ाई हे, मोए मात पिता की हे स्वामी रही भारी याद सताई है। प्राणनाथ मुझे अपने मैया बाप की बड़ी याद आ रही, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पीहर को चली जाऊं। कर आज्ञा हो तो नाथ जरा कुछ रोज वहां रह आऊंगी, मिल करके माता पिता से मैं मन अपना दिल बहलाऊंगी। हो तो मैं पीहर को चली जाऊं और माता पिता से मिल करके कुछ दिन वहां व्यतीत करके मैं सोते ही आ जाऊंगी। भगवान शंकर मौन बैठे हैं और क्या बोली उमा। महाराज कैसे मौन बैठे हो, कुछ उत्तर दो। ए सुनी उमा की बात, भैया रामवीर भोलेनाथ तो बड़े भोले देव थे और पार्वती से बहुत प्रेम किया करते थे। भाव सुनी उमा की बात के भोला नाथ कही समझाई, बेस करे यो पियर में मुए कछु उजर है नाई। बात पर तो मुझे विश्वास था मेरे स्वामी मुझसे कभी मने नहीं करेंगे। ठीक है पार्वती जा सकती हो, लेकिन सुनो एक बात का ध्यान रखना है। क्या? एक बात सुनो धर ध्यान, अरे मान सम्मान से जाकर रहना। क्या? एक बात सुनो धर ध्यान, मान सम्मान से रहने जाई, इज्जत और मर्यादा कोरे रखना उमा समाई। हाँ जवाब दिया पार्वती, तुम कह तो सही रही हो और मैं भी तुमसे मने नहीं कर रहा, तुम पियर के लिए चली जाओ, लेकिन सुनो मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए और पियर में रहना चाहिए। ठीक है महाराज। अरे जवा सुनिए सिमो की बानी,
भैया राम जी पार्वती मन ही मन में हंसने लगी, मेरे से पति हर किसी को मिले कभी मने नहीं कर सकते। ए जवा सुनिए सिमो की बानी, पार्वती मन करे गिलानी, भैया जब पार्वती ने देखा मेरे पति ये कह रहे पियर में मान सम्मान का ध्यान रखना, यह बात पे कछु बड़ी गिलानी पार्वती के दिल में हो गई और क्या बोली, मुख से ऐसे वचन मत कहना 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 जी कहना, ऐसे खोटे वचन लेना करके बोली, हे महाराज ये बात आपने कैसे कही कि मान मर्यादा का ध्यान रखना, क्या बोली, हे स्वामी कैसी कही बात ये मुख से मर ही ना मैं जाऊं कहीं जा दुख सी, स्वामी वचन स्वामी, हाँ तेरे ऐसे वचन, अरे मातिए दिल मेरे दगदी, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। शंकर भगवान बोले हंस के, पार्वती कोई बात नहीं मैंने कह दिया भूल से, लेकिन आपको बुरा लग गया। ऐसी बात नहीं महाराज, कभी मैंने गलत काम किया, क्या तुमने मेरी कोई ऐसी बात देखी जो आप ऐसे दोहरा रहे हो बात को? नहीं नहीं पार्वती, मैंने सही कहा, ध्यान में रखना इस बात को, बुरा मत मानो। भैया रामवीर आगे भौंका, आए सुनी पार्वती गई रोई, ए रोई ऐसी क्या बात लखी मेरी, ऐसी बात कहोगे तो ना ना पार्वती भूल हो गई मुझसे, ये सुनी पार्वती गई रोई ओ रोई ऐसी का बात देखी मेरी, क्या कहा पार्वती, कोई बात नहीं नशा पत्ता में मुगति निकल गई, माफ कर दो पार्वती। नहीं नहीं स्वामी ऐसी बात क्यों कही, क्या होश नहीं, कहने लगे तो सुन, क्या मर्यादा में नहीं रहती, ए क्या मर्यादा में नहीं रहती, इज्जत प्यार में नहीं समझती,
प्रियति। अरे क्या समझ रखो क्या मोई वो मोई ऐसी क्या बात लगी मेरी। मैं मुंह में अच्छी बात निकल गई, भाई जी तो नाराज रह गई। शंकर भगवान बोलने लगे, कोई बात नहीं, अरे हाँ भूल हो गई, रो ना पार्वती। पार्वती और एकदम से सिर पे चढ़ी गई, क्या बोली, ऐसा तुमने कैसे सोचा, ऐसा तो मने कैसे सोचा, मुझसे वचन कहो क्यों ओछा, मुझसे वचन कहो क्यों ओछा, मर जाऊंगी स्वामी मर जाऊंगी, ऐसे वचन न सुनूंगी। अरे पार्वती भूल से मेरे मुंह में से निकल गई, हमें माफ करो। ये जगह में मौसम कोई ओ कोई ऐसी क्या बात लगी मेरी। हमें तंग न करो, देखो हम नशा में थे और भूल से हमसे गलत बात निकल गई, माफ करो पार्वती। पार्वती ने दुखित मन भारी कियो संताप, हे स्वामी क्यों चढ़ा रहे सो मेरे सी सब पाप। ओ स्वामी ये तुमने पाप मेरे सिर पर चढ़ा दिया। शंकर भगवान इधर उधर आके फिरने लगे, कहने लगे भूल तो हमसे हो गई, लेकिन सुनो पार्वती हमने तुम्हारे लिए ये शब्द थोड़ी बोले, हम हर स्त्री के बारे में बता रहे हैं कि हमेशा पीहर में बड़े मर्यादा के साथ रहना चाहिए, पीहर में कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कबू इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, ऐसी बात बता रहे। तो हम हर स्त्री के लिए बता रहे, तुम्हारे लिए थोड़ी बता रहे, तुम नाराज हो गए। अब एकदम से पार्वती के लगी, अब तो बात की सफाई कर रहे, ये बात ना है, बात तो तुमने बिल्कुल हकीकत मेरे लिए बोली। क्या बोली, ए सौगंध पिता और मात न बिगड़े बात सुनो चितलाई, मर्यादा की रीत रे न दूंगी कभी बिसाई। पार्वती ने जवाब दो, मैं अपने माता पिता की किस्म खाती हूँ, तुम जो शब्द बोल रहे हैं मैं इनसे कभी नहीं चलूंगी, अटल रहूंगी। और स्वामी तुम्हें खूब अच्छी प्रकार से मालूम है मैंने कितनी तपस्या करी, जब तुम जैसे पति पाए कभी हम जैसी सती की बुद्धि चल सकती है, ध्यान तो कर लो कछु। चलो आप मम साथ ये भोला नाथ कहूं समझाई, कहूं समझाई, बड़े खुश होंगे मिल के रे तुम से रे पिता और भाई। हाँ जवाब दो, अरे
मैं हमारा विश्वास ना देता हूँ, हमारे संग चला। और सुनो पिया, अगर हमारे माता पिता भाई तुम्हें देख के बड़े प्रसन्न होंगे कि आइए आज तुम्हारे दामाद आए हैं, तुम्हारे भाई साहब कहेंगे हमारे जीजा जी आए। शंकर भगवान कहने लगे सो हम कहू ना जा रहे, तुम बेसक चली जाओ। श्रोताओं भाव का है तुम्हें, अरे तनी बात सुनी जब भाई। रामवीर भैया ससुरार के नाम से तो यार हमेशा ससुरार हर इंसान को बड़ी प्यार हुआ करती है। इतनी बात सुनी जब भाई, बोला कहना लगे समझाई। पार्वती तुम चली जाओ और देखो यहाँ सुनो घर रह जाओ, जो बात अच्छी नहीं घर पे तो कोई न कोई होना चाहिए, इसलिए तुम चली जाओ मैं तो यही रहूंगा। सो भैया रामवीर भाव का चल गई से कुमार के आज्ञा शिव जी। चली गई तो बाद में भोलानाथ तैयार होने लगे और मन में सोचने लगे अब पार्वती परीक्षा मुझे अवश्य करनी है। और आमिर भैया सजने लगे भोला, कैसे के भोला बने गए मोची, ये भोला बने गए मोची, चले ससुरार ले उछड़िया। ए भोला भोला बन गई थी मोची, चले लेके संग मुछड़िया। मुचड़िया हाथ में ले ली, गंगा झोली लटका ले, और शंकर भगवान कहने लगे ससुरार में अब या रूप से ना जानो, पार्वती की परीक्षा करनी है तो अब तो रूप और ही बना के चलना। झोला जंगी ले लटकाई, डमरू झोला में लौड़े छुपाई। पकड़ी के लतर लोगी, ये पकड़ी के लतर लोगी, चले ले मेरे मुछड़िया। ए
भगवान शंकर मुचड़िया ऐसी सुंदर बनाए के संग में ले गए, आय हाय जब दुनिया की नजर पड़े। आगे चल के कहा भाव सुनो, अरे सिर से गंगा ना तो तारी, भैया रामवीर सिर से गंगा ना तो तारी, बज दई भावे आज त्रिपुरारी, ए दिल में ना दिल में न तन कौ सोची लेके चल गए मुचड़िया। ए भोला रे बन गए मोची ले संग मुचड़िया, मोची बने मुचड़िया को हाथ में लिए हुए शंकर आगे बढ़े हैं और भैया ससुरार से नजदीक पहुंच के डेरा डाल गए। और हमीर का भाव, सखिया मेला में घूम रही हती सो का भाव, सखी कहे ओ मोची सुनी कहा मोल देव सुनाई, सुंदर एक मुचड़िया को दीजे आप गहाई। सखी ने जवाब दो, हे प्रभु ए मोची आहा कहो क्या बात है, या मुचड़िया ही क्या कीमत है, एक हमें दे दो। शंकर भगवान हंस गए, अरे सुनो मुचड़िया की कीमत वैसे कुछ नहीं और बहुत है। अरे यू को सवाल होगा कि इसका कीमत कुछ नहीं और बहुत है, सुनो पैसा तो एक भी नहीं लेकिन वैसे मोल बहुत है। वो कैसे,